मैथ्स ऑफ ये स्टार्ट करते हैं पाई आर वी चार्ट। देखिएगा डीसी सर्किट से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस होते हैं, तो एक चार्ट बनाते हैं। टोटल अपने पास चार क्वांटिटी होंगी इस चार्ट में, पी आर आई एंड बी। यहां पी का मतलब शक्ति है, मैं लिख देता हूं। आर का मतलब प्रतिरोध, आई का मतलब धारा और वी का मतलब वोल्टेज। इन सभी के हमारे पास तीन तीन फॉर्मूले होंगे, देखते हैं वो तीनों फॉर्मूले आते कैसे हैं। इधर हम वोल्टेज ट्रायंगल लेते हैं जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारे पास वोल्टेज ट्रायंगल है। इधर हम पावर ट्रायंगल लेते हैं, इधर हमारे पास पावर ट्रायंगल है P इक्वल्स टू वी आई। देखिएगा फर्स्ट हम किसके फॉर्मूले निकाल लेते हैं तीनों, सबसे पहले वोल्टेज के निकाल लेते हैं। देखिएगा V को अगर हम हाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, आई आर। तो V इक्वल्स टू क्या है, आई आर। तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया आई आर। यहां से वोल्टेज का एक फॉर्मूला निकालते हैं V, तो V इक्वल्स टू क्या है इसको हाइड करने पर, P अपॉन आई। यहां पर पुट कर देते हैं P अपॉन। नेक्स्ट करंट के लिए फॉर्मूला देखते हैं, आई को हाइड किया तो हमारे पास क्या बचा, वी अपॉन आर। यहां पुट कर देते हैं, यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई इक्वल्स टू आई अपने पास पी अपॉन वी, पी अपॉन वी। यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो आर इक्वल्स टू आई हमारे पास वी अपॉन आई, पुट कर देते हैं। पावर की वैल्यू यहां से देखिएगा, P को हाइड करते हैं तो हमारे पास आता है P इक्वल्स टू वी आई, पुट कर देते हैं। अब देखिए वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर मल्टीप्लाई आई। तो पावर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर आर। यहां पर करंट की वैल्यू पुट करें, इस बार हम करंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं P इक्वल्स टू V, I की वैल्यू हमारे पास क्या है V अपॉन R। तो हमारे पास फॉर्मूला आया V स्क्वायर अपॉन R। तो टोटल जो अपने पास पावर के तीन फॉर्मूले हो गए अपने पास, ये ब्लॉक कंप्लीट है। अभी हमारे पास ये ब्लॉक खाली है, तो रेजिस्टेंस के और फॉर्मूले फाइंड करते हैं। देखिए पावर अपने पास किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर के। तो यहां से R की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, P अपॉन I स्क्वायर, पुट कर देते हैं P अपॉन I स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है अपने पास, यहां से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, R इक्वल्स टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। इस फॉर्मूले को याद है तो हमने बल्ब में यूज किया था रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जब हमें वोल्टेज और पावर गिवन हो तो रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और यदि हमारे पास पावर और करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, और यदि हमें वोल्टेज और करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। तो तीनों फॉर्मूले को जो हमें गिवन हो वो डाटा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट। भी पावर हमारे पास होती है बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यहां से आई कैलकुलेट किया जाए तो यह आएगा अंडर रूट P अपॉन R, पुट कर देते हैं P अपॉन R। अब बचा है हमारे पास वोल्टेज,
इस फॉर्मूले से देखिएगा वोल्टेज निकाल सकते हैं हम, पी इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया पी आर, तो पी इक्वल्स टू क्या आ गया सॉरी वी इक्वल्स टू क्या आ गया अंडर रूट पी आर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा हम क्या है कि नॉर्मली डीसी सर्किट के किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है तो जनरली एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन हमें मिल ही जाते हैं, किसी भी टी फर्स्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो सीबीटी सेकंड में भी 100% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो कि पाई आरवी चार्ट पर बेस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा धारा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए अंडर रूट पी आर, ऑप्शन बी अंडर रूट पी अपॉन आर, ऑप्शन सी अंडर रूट पी, ऑप्शन डी बी स्क्वायर अपॉन आर। देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको या तो डायरेक्टली पाई आर वी चार्ट याद हो या फिर आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पी की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो हमारे पास क्या आता है, पी की वैल्यू पुट करके देखते हैं, आप पुट कीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू आर, आर से आर कट गया, क्या आया अपने पास पी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वोल्टेज का, जबकि हमें पूछा क्या है विद्युत धारा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर पुट करके देखिएगा, हम वी स्क्वायर आर ही पुट करते हैं पी के लिए, नीचे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसे बाहर निकालेंगे तो ये आएगा वी अपॉन आर, और वी अपॉन आर क्या होता है आई। तो ये फॉर्मूला ये ही राइट आंसर होगा क्योंकि अपने पास करंट पूछा गया है, ये अपने पास पी दे रखा है, तो पावर अंडर रूट पी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इससे हम करंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये वाला अपने पास पावर का फॉर्मूला होता है, तो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विद्युत बल्ब के सप्लाई वोल्टेज में 50% कमी कर दी जाए तो बताइए, 50% कमी कर दी जाए तो बताइए बल्ब की वाट क्षमता में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 100%। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि अगर बल्ब को हम 50% कम कर दें तो बल्ब की वाट क्षमता में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखिएगा यहाँ हमें वोल्टेज गिवन है, तो हम पावर का फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें वोल्टेज हो, पी इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, माना कि बल्ब की पावर हमारे पास ये है। अब वो कहता है कि वी डैश जो नया वोल्टेज है उसमें कितने प्रतिशत कमी कर दिए 50%, यानी कि ये कितना हो गया 50% का मतलब पहले वाले वोल्टेज का आधा, तो नई पावर आएगी हमारे पास पी डैश वो होगी वी डैश का स्क्वायर अपॉन
आर वैल्यू पुट करते हैं वी डैश की, 1/2 वी का स्क्वायर अपॉन आर, 1/4 वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, पी की है, तो पी डैश कितना आ गया अपने पास 1/4 पी, यानी कि जो पहले वाला बल्ब है उसकी पावर कितनी रह जाती है उसकी अपेक्षा तुलना करें तो 1/4 यानी कि 25%। जो हमारे पास बल्ब की पावर है वो कितनी आई है, 25%। तो कमी कितने की होगी, P माइनस 0.25 पी इक्वल्स टू ये कितना आ गया 0.75 पी, यानी कि 75% की कमी हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि बल्ब की वाट क्षमता कितनी रह जाएगी तो आंसर होता 25%, यहां पूछा गया है कि कमी हो जाएगी इसलिए आंसर क्या होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत हीटर जिसे 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जोड़ा गया है, यदि हीटर की वाट क्षमता 1000 वाट हो तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज लिख लेते हैं कितना है 200 वोल्ट, वाट क्षमता यानी कि पी दे रखे 1000 वाट, हमें कैलकुलेट करना है आई क्वेश्चन में, तो पी आई और पी आई आर के चार्ट में हमने जो फॉर्मूले लिखवाए थे तो वहां से देखिएगा कि हमें कैलकुलेट करना आई जब गिवन हो मेरे पास पी और वी, तो आई कैलकुलेट किया जा सकता है पी अपॉन वी से। पी गिवन है हमारे पास 1000 वाट, वोल्टेज गिवन है 200 वाट, तो करंट कितना आ गया 5 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत हीटर जिसकी वाट क्षमता 144 वाट है तथा तथा इसका प्रतिरोध 16 ओम है, तो इसका वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 120 वोल्ट, ऑप्शन बी 240 वोल्ट, ऑप्शन सी 48 वोल्ट, ऑप्शन डी नन। देखिएगा हमें क्या गिवन है, इसमें पी गिवन है 144 वाट, आर गिवन है 16 ओम और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो पाई आर के चार्ट में देखा होगा हमने, हमारे पास वोल्टेज का एक फॉर्मूला था वी इक्वल्स टू अंडर रूट पी आर, तो यहां हमें पी गिवन है 144 वाट, आर गिवन है 16 ओम, तो कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास मिलेगा, देखिए ये किसका स्क्वायर है, अपने पास 12 का, तो डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं, और ये अपने पास 4 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से, ये कितना आ गया अपने पास 48 वोल्ट। तो इस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास जो बेस होते हैं पी आई आर चार्ट पे, तो नॉर्मली बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, जितने भी अपने पास 12 फॉर्मूले हैं उनको आप याद रखिए, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हम क्वालिटी इंप्रूव करते रहें। ओके, थैंक यू।